आ रहा है एक्सिस बैंक पर और ये शख्स काफी समय से फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि बुरा फंसा हूं मैं एक्सिस पर, अब यहाँ से आगे की क्या स्थिति रहेगी। एक्सिस हमने देखा है पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा दायरे में फंसता हुआ दिखाई दिया है, 491 के लेवल्स इसमें बनते दिखाई दे रहे हैं। अब क्या सलाह होगी आपकी किरण? समहाउ आई हैव लॉस्ट द परचेज प्राइस, इन्होंने जो सवाल डाला था, लेकिन क्या आउटलुक है, कुछ रिकवरी के आसार दिख रहे हैं या नहीं? एक्सिस बैंक में अर्षदा जी मुझे नेगेटिव डाइवर्जन दिखता है बैंकिंग सेक्टर और बैंकिंग स्टॉक्स अगर उसके पीयर कंपेयर करे तो अगर नेगेटिव डाइवर्जन है तो ये मार्केट आउट परफॉर्मेंस नहीं देगा या बैंकिंग सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस नहीं देगा, तो आपको शिफ्ट करनी पड़ेगी पोजिशन, एक पहली बात। दूसरी बात यह रहेगी कि अगर शिफ्ट नहीं करनी है तो 480 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और नजदीक वाला सपोर्ट है, तो 10-12 रुपए का रिस्क लेके होल्ड ऑन करना चाहिए। वापिस एक बार पुल बैक रैली अगर बैंकिंग बैंक निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो उसके साथ साथ ये भी स्टॉक थोड़ा सा परफॉर्म करता नजर आएगा और शायद 510-520 तक भी चला जा सकता है, और उधर एक बार वापस एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस उन लेवल्स पे है। ओके, अगला सवाल एक दर्शक पूछ रहे हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं विजय सिंह रांची से। विजय सिंह बताइए। सर गुड आफ्टरनून। सर गुड आफ्टरनून। मेरे पास हिंडाल्को का है 194 के रेट से एक लॉट। हिंडाल्को फ्यूचर्स में आपने लॉन्ग किया है, 192 की आपकी कॉस्ट है इस वक्त है, 195.75 पे हल्के मुनाफे पे बैठे हैं। किरण क्या कॉल देंगे? नहीं, होल्ड ही करना चाहिए, बहुत अच्छा मूव हिंडाल्को ने दिया है, पर पिछले हम अगर 1.5-2 महीने की बात करें तो रेंज 180 और 200 की है। ये जो लेवल्स के साथ चलने वाला स्टॉक है, हमेशा ये देखा गया है कि करीबन 30-30 रुपए के लेवल के साथ ये कंसिस्टेंटली ऊपर चलता नजर आ रहा है पिछले करीबन 1 साल से, तो अभी के लिए 200 का पहला टारगेट रहेगा और मुझे लगता है कि 200 इस सीरीज में नहीं तो नेक्स्ट सीरीज में बिल्कुल ये क्रॉस करता नजर आएगा, तो अभी के लिए स्टॉप लॉस में नजदीक वाला 190 का दूंगा और होल्ड करने की सलाह दूंगा। 200 पे रिव्यू लेना चाहिए और 200 के ऊपर चलता है तो एग्रेसिवली बाय करना चाहिए, वापस एक बार 20-30 रुपए की मूव ऊपर में देखने को मिलेगी, वो बैंड शिफ्ट होता नजर आएगा।